वही मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी में गुरुवार के दिन बसों को हरी झंडी दिखाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राय स्कूल की ओर से अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर लटेरी एसडीएम अनुभा जैन, नगर परिषद अध्यक्ष शैलेश अत्तु भंडारी भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम की तैयारी को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, वही जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के दौरान बसों पर सीएम और शिक्षा मंत्री समेत विधायक के फ्लैक्स लगाए जाने की मांग की थी, परंतु ऐसा ना होने पर भाजपा कार्यकर्ता इतने नाराज हो गए कि वे कार्यक्रम छोड़कर मौके पर ही चले गए। उनके साथ नगर परिषद अध्यक्ष शैलेश अट्टू भंडारी भी कार्यक्रम छोड़कर चले गए। परिवहन ठेकेदार है ये, इनके द्वारा अनाधिकृत चेष्टाएं की जा रही हैं, जो शासन के नियम है उनके अंतर्गत सारे काम होना चाहिए था। बैनर्स नहीं है, कार्यक्रम की तैयारी नहीं है, ड्रेस कोड जो होना चाहिए उसमें ड्राइवर का वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है। पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के बाद ये कार्यक्रम होना चाहिए था और यहाँ पर बुला लिए। इसके बाद फिर इनकी अनाधिकृत चेष्टाएं करना, दुर्व्यवहार करना, ये सब चीज़ ठीक नहीं है।